फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक टेलीकॉम कंपनी है, उसी के साथ ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस की, तो आज ये क्लोज हुआ है 38 रुपीज़ पर और ये ओपन हुआ था 39 रुपीज़ 40 पैसे पर। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इसमें हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ अगर फ्रेंड्स हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, तो भी हमें इसमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट का कारण क्या है और क्या आने वाले टाइम में हमें इसमें वापस से तेज़ी देखने को मिलेगी, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टाटा टेली सर्विस की, तो हम देख सकते हैं आज हमें -3.55% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। उसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम इसके जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो देखें, तो अगर हम 5 डेज पहले का देखें, तो ये हमें लगभग -12.64% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। 11 अगस्त को ही 38.75 रुपीज़ पे गया था, लेकिन वापस इसमें थोड़ी बहुत हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज वापस से इसमें हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम 1 मंथ का देखें, तो ये हमें लगभग -13.34% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं 28 जुलाई को 34 रुपीज़ पे गया था, लेकिन वापस से इसमें थोड़ा तेजी का माहौल बना और उसके बाद अब वापस से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम 6 मंथ का देखें, तो ये हमें 114.08% तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं 6 मंथ पहले इस शेयर की प्राइस ओनली 18 रुपीज़ थी, जो अब डबल हो चुकी है। उसी के साथ हम देख सकते हैं ये 6 जुलाई को 54 रुपीज़ के हाई पर गया था। जो फ्रेंड्स इसके 6 मंथ पहले जिन्होंने शेयर लिया होगा, उन्हें 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, तो बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर बेचे भी थे, लेकिन उसके बाद वापस से इसमें हमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। उसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम 1 ईयर का देखें, तो हमें लगभग 955.56% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं 1 ईयर पहले शेयर की प्राइस ओनली 3 रुपीज़ थी, जो बहुत ही शानदार हमें इसमें प्रॉफिट देखने को मिला है। हम देख सकते हैं इसमें हाई गई थी 6 मंथ पहले 21 रुपीज़ तक, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू इसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला 3-4 मंथ तक, लेकिन फिर अचानक से हमें इसमें तेज़ी का माहौल देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, हो सकता है अभी चाहे इसके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन डेफिनेटली ये 1000% तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। जिन लोगों ने 1 ईयर पहले इसके शेयर खरीदा, तो ये आने वाले टाइम में अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करें, तो ज़रूर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी के साथ अगर हम देखें, तो अगर आप जिसके शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने अभी इसके शेयर खरीदे और हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़े दिन होल्ड करके रख सकते हैं इन्हें, और आने वाले टाइम में ज़रूर हमें प्रॉफिट बुक करके दे सकता है। उसके साथ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वीडियो ओनली आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रही हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर